दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल ने 4 मालगाड़ियों को जोड़कर सुपर शेषनाग ट्रेन को रवाना किया। रायपुर रेल मंडल के स्टेशनों से गुजरते हुए मालगाड़ी भिलाई पावर हाउस दुर्ग होते हुए नागपुर पहुंचेगी। सभी डिब्बों में कोयला लोड किया गया। सभी वैगनों को मिलाकर करीब 277 वैगन समेत 4 लोकोमोटिव और 4 गार्ड के डिब्बे शामिल हैं। वहीं सुपर शेषनाग मालगाड़ी में 12 क्रू मेंबर भी मौजूद। कोयले की सप्लाई के लिए ये कवायद यहाँ पर देखिए शुरू कर दी गई है। सुपर शेषनाग मालगाड़ी में 12 क्रू मेंबर भी मौजूद हैं। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल की ये कवायद यहाँ पर चलने के लिए। 4 मालगाड़ियों में ये कोयला यहाँ पर जा रहा है, तो कोयले को लाने की कवायद यहाँ पर चल रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल की ये पूरी कवायद है। यहाँ पर कोयले की सप्लाई के लिए कवायद यहाँ पर की जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर, तो 4 मालगाड़ियों को जोड़कर सुपर शेषनाग से लाया जा रहा है यहाँ पर कोयले की सप्लाई के लिए ये मालगाड़ियाँ लगाई गई। 4 मालगाड़ियों को जोड़कर सुपर शेषनाग ट्रेन यहाँ पर रवाना हुई। तो ये तस्वीरें आप देखिए रायपुर, यहाँ पर मालगाड़ी को रवाना किया गया, 4 मालगाड़ियों को जोड़ा गया है और सुपर शेषनाग उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो सुपर शेषनाग के जरिए अब कोयले की सप्लाई यहाँ पर की जा रही है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल की कवायद।